अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें तथा सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन को क्लिक कर दें ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल अपडेट विथ राजनाथ के एक नए वीडियो में। हम आज बात करेंगे रेलवे LP 2018 के 20 अगस्त का जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ है उसके कुछ क्वेश्चन के बारे में। वो क्वेश्चन होंगे साइंस, करेंट अफेयर्स और GA एंड मैथ और रीजनिंग से रिलेटेड। देखते हैं कुछ वीडियो कुछ क्वेश्चन को। हम क्वेश्चन है कि AICTE के चेयरपर्सन कौन है? अनिल सहस्त्रबुद्धे। तो ये AICTE क्या है? AICTE क्या करता है, जितने भी भारत में इंजीनियरिंग कॉलेज डिप्लोमा कॉलेज होते हैं उनको मान्यता AICTE देता है, और इसके चेयरपर्सन कौन बनाए गए हैं? तो अनिल सहस्त्रबुद्धे जी। दूसरा क्वेश्चन है मानव शरीर का पीएच कितना होता है? तो मानव शरीर का पीएच होता है 7.4, और इसलिए ये क्षारीय होता है ब्लड वर्ड थोड़ा सा। तीसरा है हुमायूं के पिता कौन थे? तो हुमायूं के पिता कौन थे? बाबर। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। तो असम में दो राष्ट्रीय उद्यान है, काजीरंगा और मानस, जो फेमस है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हंसने वाली गैस का सूत्र क्या है, यानी हंसने वाली गैस कौन होती है? नाइट्रोस ऑक्साइड, और नाइट्रोस ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है N2O। अगला क्वेश्चन कि NaCl अम्ल है या क्षार? ये क्वेश्चन आया था कि NaCl क्या है, अम्ल है क्षार है? तो ये उदासीन होता है। NaCl क्या होता है? उदासीन होता है, क्योंकि Na पे होता है प्लस चार्ज और Cl पे होता है माइनस चार्ज। तो ये क्या, दोनों चार्ज मिलके क्या होते हैं? जीरो हो जाते हैं। तो ये हो जाता है उदासीन। अगला क्वेश्चन है विद्युत धारा का मात्रक क्या है, या विद्युत धारा का यूनिट क्या है? तो यूनिट क्या होता है इसका? एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बल का फॉर्मूला। ये यहाँ पे बल का F=ma ये नहीं आया था, यहाँ ma नहीं होगा, यहाँ था G m1 m2 / r2, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे ऑप्शन में था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ है कि फीफा अंडर 17 जो फुटबॉल का वर्ल्ड कप हुआ था उसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो भारत के विभिन्न शहरों में उसका आयोजन हुआ था, और जिसकी चैंपियन बनी थी UK, यानी इंग्लैंड की टीम इसकी चैंपियन बनी थी। तो इसका सही आंसर है भारत में इसका आयोजन हुआ था। आउटलुक स्पोक आउट पुरस्कार विजेता कौन थे? ये आउटलुक स्पोक आउट जो पुरस्कार विजेता हुआ है मिला है वो मिला है उड़ीसा के CM नवीन पटनायक को, उड़ीसा के CM नवीन पटनायक को। और इसको एक्चुअली आउट स्पोक आउट जो पुरस्कार है उसको स्पॉन्सर करती है आउटलुक, इसलिए इसका नाम है आउटलुक स्पोक आउट पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है GST दिवस कब मनाया जाता है? तो GST दिवस 1 जुलाई को लागू हुआ था, इसलिए 1 जुलाई को मनाया जाता है GST दिवस। अगला क्वेश्चन है द्वितीय विश्व युद्ध में किस गैस का उपयोग हुआ था? तो ये है मस्टर्ड गैस। क्या है, थोड़ा टाइप गलती हो गया है, ये मस्टर्ड गैस का उपयोग हुआ था द्वितीय वर्ल्ड वार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पहला मेट्रो कहाँ चलाया गया था? तो भारत में पहला मेट्रो कोलकाता में चलाया गया था, और यहाँ एकमात्र ऐसा शहर है इंडिया का जहाँ पे ट्रम भी चलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर अश्विन ने अपना 300वां विकेट अभी हाल में पूरा किया है, वो किस स्टेडियम में पूरा किया? तो वो भारत के नागपुर स्टेडियम में पूरा किया, और उन्होंने 300वां विकेट अपना लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन B5 से कौन रोग होता है? तो विटामिन B5 से परेथेसिया नामक रोग होता है। रोग भी आप दोनों देख लीजिएगा, विटामिन से कौन कौन सा रोग होता है, क्योंकि ये वाला भी क्वेश्चन आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मैथ से है। क्वेश्चन ये है कि 4064 इसका वर्गमूल क्या होगा? तो ये इजी क्वेश्चन है, इसको आप लोग निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 36, 72, 144 का मशक क्या होगा? तो देखिए आसान से अगर भाग वाला क्वेश्चन से बनाना चाहेंगे तो इससे ही बन जाएगा। 36 और 72 ये होगा दो बार में
सेवेंटी टू और 36 से भागा देंगे 144 का, तो ये भी डिविजिबल है। तो इसका मसा हो जाएगा यानी हाईएस्ट फैक्टर क्या हो जाएगा 36, 36 ही होगा। नेक्स्ट देखते हैं कि 2 से 3 बजे के बीच कितने बजे घड़ी की दोनों सुइयां, घड़ी की दोनों सुइयां यानी घंटे और मिनट की सुइयां एक दूसरे के ऊपर होगी, यानी एक दूसरे के ऊपर होंगी। इसका मतलब एक दूसरे के ऊपर होगी तो कोइंसाइड करेगी, ओवरलैप करेगी, इसको संपाती बोला जाता है। और जब एक दूसरे के ऊपर होगी तो थीटा इक्वल टू क्या होगा 0 डिग्री, ये बताना चाह रहा है यहां से। तो देखते हैं कैसे बनता है। इसका फॉर्मूला होता है 11/2 इंटू एम इक्वल टू टी वन इंटू एच प्लस माइनस थीटा। ठीक है, यहाँ थीटा क्या हो गया, थीटा का वैल्यू पहले दे दिया है, एक दूसरे के ऊपर होगी यानी थीटा 0 हो जाएगा, तो यहाँ से हम इसको कैंसिल आउट कर देते हैं। तो फर्स्ट ये एच वन होता है, टी वन जो होता है टी वन इंटू थर्टी होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो टी वन होता है टाइम होता है और टी वन होता है पाला घंटा, तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगा 2 × 30 और ये हो जाएगा 11/2, तो ये दो सॉरी इसको देखेंगे हम यहाँ से, तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा, m इक्वल टू हो जाएगा 60 × 2 और 2/11, तो यहाँ से हम करेंगे तो हो जाएगा 120/11 और ये आ जाएगा 10 सही 10/11 मिनट। तो यानी 2 से 3 बजे के बीच यानी 2:10 सही 10/11 मिनट पे घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होंगी। इसका सही आंसर यही होगा 2:10 सही 10/11 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2020 का कैलेंडर कब रिपीट होगा यानी सेम कैलेंडर दिखाएगा। तो देखिए जब भी लीप ईयर का हो यानी जब भी लीप ईयर यानी 2020 का हो तो लीप ईयर में हम क्या करते हैं 28 जोड़ देते हैं। 28 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2048 में ये क्या करेगा सेम रिपीट करेगा। अगर लीप ईयर से जस्ट पहले का हो तो उसको कैसे निकालते हैं, लीप ईयर के जस्ट पहले वाले में हम इसमें 11 जोड़ देते हैं। तो अगर 2019 पूछता तो 11 जोड़ के कितना हो जाएगा 2030 में रिपीट करेगा, और इसके दो पहले का पूछता तो यानी 2016 के बाद का 2017 और 18 का पूछता तो प्लस 5 कर लेते हैं, तो ये हमारा इस टाइप से निकलता है कैलेंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन और निष्कर्ष से, सभी चूहे बिल्लियां हैं, सभी चूहे क्या है बिल्ली है, तो ये हो गया चूहा और ये हो गई बिल्ली। उसके बाद कुछ बिल्ली कुत्ते हैं, ये कुछ बिल्ली क्या हो गए कुत्ते। निष्कर्ष दे रहा है सभी चूहे कुत्ते हैं, तो देखिए सभी यहाँ चूहा यहाँ है कुत्ता यहाँ है, सभी का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, तो ये क्या हो जाएगा गलत। दूसरा है सभी बिल्ली कुत्ते हैं, देखिए सभी बिल्ली यहाँ है कुत्ते यहाँ है, तो यहाँ कुछ का चांस है सभी का नहीं है, तो ये क्या हुआ ये भी गलत। बस आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगर आप हमसे ऐसे ही जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।